हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो मामा जी बोलने में कभी कमी नहीं करते। आज फिर 15 अगस्त 2023 को मामा जी ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा कर दी। जो पुरानी भर्तियां हैं उन पर तो भर्तियां कर नहीं पा रहे, घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। ये जिंदगी में कभी हो भी पाएंगी या नहीं? मामा जी ने बोला था 15 अगस्त को 1,00,000 भर्ती पूरी कर देंगे। कहाँ गया वो 1,00,000 भर्ती करने का आपका वादा? 15 अगस्त निकल गया, क्या है आपका इरादा भर्ती करने का? क्या है आपका इरादा? तो मामा जी, झूठी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। ज़मीन पर काम कीजिए, भर्तियों का जो पुराने पद बचे हुए हैं उन पर पद वृद्धि करके भर्तियां कीजिए। ये घोषणा से कुछ नहीं होने वाला, आने वाला समय आपको बतला देगा कि आपने किस प्रकार से किया है। तो देखिए, मामा जी ने 25,000 भर्तियों की घोषणा की, तो मैं दिखाता हूँ आपको दैनिक भास्कर के माध्यम से। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय की प्रमुख बातें ये थीं। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के 25,000 पद भरेंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया उन्होंने, और गिनाया और सारी चीज़ें बोलने के बाद सरकारी स्कूल के शिक्षकों के 25,000 पद भरे जाएंगे, इस प्रकार की बातें कहीं फ्रेंड्स। तो आपके हिसाब से क्या ये बातें पूरी हो पाएंगी? इनने बोला जो सरकारी स्कूल में 25,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, आपके हिसाब से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या मामा जी ये बोल रहे हैं 25,000 पद भरे जाएंगे, आपको कितना विश्वास है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।